सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, जब आप एक न्यू प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोफेशनल अकाउंट को आपको सेटअप करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो है सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट करके यहाँ पर एक पेज दिया गया होता है, जिसमें जो है आपको जीरो ऑफ सिक्स स्टेप लिखा गया होता है। पहले यह 5 स्टेप हुआ करता था, पर आप जो है ये 6 स्टेप हो गया है। तो आपको अगर अपने प्रोफेशनल अकाउंट को, न्यू प्रोफेशनल अकाउंट को सही तरीके से सेटअप करना है तो सबसे पहले आपको इन 6 स्टेप को सही तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है ये पूरी तरीके से सेटअप हो जाए। तो अगर आप नहीं जानते कि इन 6 स्टेप को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, तो मैं आपको इस वीडियो में इन 6 स्टेप को जो आपके सामने कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है आप सबके लिए। सो वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इन 6 स्टेप में से कोई भी स्टेप को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है, ये पूरी तरीके से सेटअप नहीं होगा। आप उसमें सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो इन 6 स्टेप को आपको जरूर सही तरीके से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल का एक स्टेप मिलता है। तो ये स्टेप को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है आपका नेम और यूज़र नेम, और यहाँ पर आपको आपका जो बायो दिया गया होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कोई भी एक लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना बायो जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी बायो लिख देता हूँ, कोई भी इमेज होगा, कोई से भी एक बायो को लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर राइट टिक कर देता हूँ। राइट टिक कर देने के बाद यहाँ पर आपका देख सकते हैं सभी चीज़ें कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर नेम, यूज़र नेम, बायो, और यहाँ पर ऐड लिंक में यहाँ पर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, वरना छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट टिक शो करेगा, ऊपर ही राइट टिक के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये पहला वाला जो स्टेप है ये सही तरीके से कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद, पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको 1 ऑफ 6 स्टेप लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 में से 1 स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रो योर ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। ये जो सेकंड वाला स्टेप है, यहाँ पर ग्रो योर ऑडियंस का स्टेप है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, देन ग्रो योर ऑडियंस का एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर इन्वाइट फ्रेंड बाई व्हाट्सअप और SMS, ईमेल और फ्रेंड और कॉन्टैक्ट के यहाँ पर थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को जो है इन्वाइट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन्वाइट करेंगे तो आपका जो ऑडियंस है ये ग्रो करेगा, आपका इंस्टाग्राम ID से बहुत सारे लोग जो है कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है कि इन्वाइट SMS या फिर इन्वाइट व्हाट्सअप के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ओपन विथ में यहाँ पर मैसेज ट्रूकॉलर मैसेंजर आ गया है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा दिमाग लगाना है कि आपको यहाँ पर किसी को भी इनवाइट नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको नहीं पता चले तो आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। देन फिर बैक आ जाना है, बैक आ जाने के ऊपर आपको राइट टिक मिल जाएगा। राइट टिक के ऊपर आपको क्लिक करना सिंपल तरीके से, तो आपका जो सेकंड वाला भी स्टेप होगा ये बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको करना है कि आपको ऑडियंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड वाले ऑप्शन के यहाँ पर आपको व्हाट्सअप या फिर SMS या फिर जीमेल के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो उनको पता चल जाएगा, तो अगर आप पता नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन राइट टिक करना है। तो स्टेप कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ आपको जरूर हेल्पफुल करने वाली है अगर आप बिना किसी को पता चले अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं गेट इंस्पायर्ड का स्टेप मिलता है। ये जो स्टेप है ये 3rd वाला स्टेप है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो किससे इंस्पायर हो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको आपको फॉलो करना है। तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी आप इस स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे, अगर आप फॉलो करते हैं तब भी आप ये जो स्टेप है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप किससे इंस्पायर हो, अगर यहाँ पर आ जाता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉलो कर देना है। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर ऊपर राइट टिक कर देना है। राइट टिक कर देने के बाद ये 3rd वाला स्टेप है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। उसके बाद स्टेप नंबर 4, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप है, ये बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं शोकेस योर ब्रांड मिशन और ग्रेट आइडियाज बाय शेयर ए पोस्ट या फिर रील्स। मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने मिशन आइडियाज़ को जो है एक रील के थ्रू जो है पोस्ट कर देना है। तो इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है और क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कोई सा भी फोटो को जो है आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर देना है। एक फोटो को सबसे पहले सिलेक्ट कर देना है। आपको अपना मिशन आइडिया को जो है यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी रेंडम तरीके से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ, देन यहाँ पर इसको आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, देन ये अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटो जो है अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर यह फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद आपको फिर से करना है कि यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले आइकॉन के ऊपर आपको फिर से क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको 3 ऑफ स्टेप दिखाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाले स्टेप के ऊपर क्लिक करना है, देन क्रिएट पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको कोई सा भी एक फोटो को जो है सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 2nd फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आपको करना है कि आपको यहाँ पर 3
फोटो को जो है पोस्ट कर देना है, फोटो या फिर रील्स को पोस्ट कर देना। उसके बाद देखना है कि आपका जो स्टेप है ये कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने दो फोटो को जो है पोस्ट कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरा फोटो को भी पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट पोस्ट के ऊपर जाना है, देन यहाँ पर फिर से आपको कोई सा भी फोटो को अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीन फोटो जो है यहाँ पर पोस्ट हो गया है। पोस्ट हो जाने के बाद देख सकते हैं ये एक फोटो रहा, ये एक फोटो रहा और ये एक फोटो रहा, तीन फोटो जो पोस्ट हो चुका है। उसके बाद प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर देख सकते हैं 4 of 6 steps लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला जो स्टेप है इसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहा है कि शोकेस योर ब्रांड मिशन और ग्रेट आइडिया शेयरिंग ए पोस्ट, मतलब आप अपने मिशन आइडियाज़ और ब्रांड को जो है एक प्रोमोट कर सकते हैं एक पोस्ट या फिर रील्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैं घटिया तरीके से तीन पोस्ट डाल दिया इसलिए कंप्लीट हो गया। तो आपको जो अच्छी तरीके से अपने मिशन आइडियाज़ को यहाँ पर लिखकर एक रील के थ्रू या फिर एक पोस्ट के थ्रू जो है अपलोड करना है। तीन फोटो या फिर तीन रील को आपको पोस्ट करना है। अगर आप डिलीट करते हैं तो आपका जो ये जो स्टेप है फिर से आपको कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप अगर मैंने पोस्ट को डिलीट कर दिया तो ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो अगर आप पोस्ट को डिलीट कर देते हैं तो इसको आपको फिर से वापस से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए पोस्ट को डिलीट नहीं करना, अच्छी तरीके से पोस्ट को डालना है। उसके बाद स्टेप नंबर जो है 5, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया हुआ है एक्सप्लोर टूल एंड इनसाइड, मतलब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गो टू इनसाइड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं गो टू इनसाइड का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपना जो अकाउंट का इनसाइड है 30 days का सारा 7 days लास्ट 7 days, यहाँ पर आप जितना चाहें उतना दिन का आप अपना जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट का इनसाइड है सारा का कुछ चेक कर पाएंगे। आपका रीच कितना आया है, एंगेज कितना हुआ है, फॉलोअर्स कितना आया हुआ है, सब कुछ आप यहाँ से इनसाइड में जाकर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एड में गो टू टूल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बूस्ट पोस्ट भी आप कर सकते हैं, न्यू एड भी लगा सकते हैं, मैनेज भी सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं या कुछ भी नहीं, अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट का रीच सब कुछ चेक कर पाएंगे। गो टू इनसाइड में सब चेक हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट टिक कर देना है, तो ये 5वां जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप रह गया है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे सपोर्ट करना, बहुत ही मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेल अस योर गोल, ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्हाट वुड यू लाइक टू सी ऑफ मोर, मतलब यहाँ पर क्या बोला है मुझे इंग्लिश भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मुझे देख सकते हैं लिखा गया सिलेक्ट योर टॉप टू, मतलब यहाँ से जो है दो सिलेक्ट, कोई सा भी दो को सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर मैं कोई भी दो को सिलेक्ट कर दूँ, आप अपना कर दीजिए, मैं अपना कर देता हूँ। तो दो कोई भी आपको सिलेक्ट कर देना रैंडम तरीके से, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको फिर से यहाँ पर देख सकते हैं हाउ डू यू लाइक टू कनेक्ट विथ फ्रेंड, यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे लिखा गया हुआ सिलेक्ट ऑल टू अप्लाई, मतलब यहाँ पर आपको सभी सिलेक्ट कर देना है अगर आप चाहें तो। तो यहाँ पर मैं सभी को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद डोन के ऊपर क्लिक कर देना। डोन के ऊपर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये 6वां वाला जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही ईजी तरीके से बिना कोई प्रॉब्लम के बहुत ही आसान तरीके से इन 6 steps को कंप्लीट कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मेरे बताए हुए प्रोसेस को आप जरूर फॉलो करना, तब आप इन 6 steps को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो मैंने आपके लिए जो है बना कर दिया है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद।